तो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकॉर्ड में। आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो होगा कि क्या खिलाएं हम अपनी फ्लावर ऑन फिश को, व्हाट वुड वी फीड आवर फ्लावर ऑन फिश। एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर मैं आज डाल रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे फ्लावर ऑन फिश को क्या क्या खाना चाहिए, तो पहले हम बात करेंगे फ्लावर ऑन फिश एक कैसी फिश है। ये एक ऐसी फिश है, इसको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। कोई एक फूड पे आप इसको डिपेंड नहीं कर सकते, उससे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर उसको एक जो इंडिपेंडेंट, जो बहुत अच्छी जो ग्रोथ होती है जो आप वीडियोस में देखते हो, वो नहीं आ पाएगी इसके। इसको ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए आपको देना होगा इसको वैरायटी ऑफ फूड्स। आपको मैं बताता हूँ कि जो ये है इसका हेड वो कितने टाइप का होता है, और इसको जो है कैसे डिफाइन होता है इसका हेड। जब हम बात करें इसके हेड की, तो इसका जो हेड होता है वो कंप्राइज करता है तीन टाइप में। ये पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं फ्लावर ऑन का जो हार्ड होता है, हार्ड और जो उतना विजिबल नहीं होता, वो यूजुअली बनता है जो है फैट से, और मेनली फैट ही होता है उसमें, वाटर बेस्ड नहीं होता वो। और सेकेंड टाइप का जो होता है वो है एक वाटर, वाटर कॉक जो आप देखते हो ना, वो होता है एक जो आप वीडियोस में देखते हो एक मॉन्स्टर फिशेस के अंदर होता है मेनली, बहुत अच्छे जिसके जेनेटिक्स और उसके हिसाब से, और जो होता है वही होता है वाटर के हुए। उसमें होता है वाटर, मेनली वाटर सोल्यूबल होता है, वो जेल लाइक सब्सटेंस होता है, वाटर भरा नहीं होता उसमें। और थर्ड टाइप होता है जो मिडल में होता है, जैसे इसको बोलते हैं सेमी टाइप। सेमी में जो होता है ना, वो होता है कि सम वाटर और सम जो है फैट, और दोनों को मिला के जो होता है ना उसको बोलते हैं सेमी टाइप। सेमी टाइप क्या है कि एक मिडल टाइप फिश होती है। आप अगर मैं मेरी फिश की बात करूँ तो ये सेमी कैटेगरी में फॉल करती है। जो मैं अब बात की क्या है इसके टाइप्स फिश फूड, इसको हम कैटेगराइज करें तो मेनली थ्री टाइप्स आप इसको खिला सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेट डिपेंडेंट फूड, पैलेट्स यानी जो हम दाने देते हैं फिश को, वो होते हैं बहुत टाइप्स के, आपको वैरायटी मिल जाएंगी आपको। मैं फर्स्ट वो आता है ओकीको प्लैटिनम। ओकीको प्लैटिनम एक बहुत ही फेमस कंपनी है, और ये बिजी बिगिनर जो लाते हैं ना बेबी फ्लावर ऑन, उसके लिए ये फिश फूड बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है, इससे ऑप्टिमम ग्रोथ होती है। जो हम सेकेंड कैटेगरी में आती है ना, वो आती है लाइव फीडिंग। लाइव फीडिंग यानी लाइव फिशेस को फीड करते हो, वो मैं ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। थर्ड जो आता है वो आता है एक ड्राइड फूड्स। ड्राइड फूड्स में पहले हम बात करें, ये आप वो फोटो में दिख रहा होगा एक्सो और हम्पी हेड का जो दोनों, और एक ताइयो का जो अंबर आता है, वो भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है पैलेट्स के लिए। जब हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो उसमें फॉल करती है ड्राइड एंड फ्रोजन फूड्स। तो उसमें आते हैं जैसे कि ट्यूबीफेक्स वॉर्म्स, फिर ब्लड वॉर्म्स, जैसे कि ये दो टाइप, और फिर श्रीम्स आप डाल सकते हो। ये तीन चार बहुत टाइप के आते हैं ब्रांड्स, और ब्रांड्स मैटर नहीं करती, आपको मेनली देखना है फूड के अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है। प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, उस उतना ज़्यादा आपके जो फिश की हेड है वो ग्रो करेगा। हेड जो है उसको बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है उसका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे उसके आप पेरेंट्स होंगे, उतना अच्छा उसका हेड होगा। सेकंड, उसको आपको कैसे आप टेम्परामेंट में रख रहे हो, कैसे माहौल में रख रहे हो, वो डिपेंड करता है। आप वाटर क्लीन रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, और क्या ये फिश आप फूड दे अच्छा दे रहे हो, टेम्परेचर क्या है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आप देख सकते हो मेरी जो एक्वेरियम है उसमें एल्गी बहुत जम गई है, दूसरा ये पूरा क्लीन है वैसे। और आपको फिल्टर ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे उसकी ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट सब कुछ अच्छा रहेगा। अब हम बात करें कि जो फूड्स मैं क्या क्या अपनी फिशेस को देता हूँ,
तो आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ अभी वीडियो में, देखो जो मैं फिश फूड उसको देता हूँ ना, उसमें बहुत सारे आते हैं। मैं इसको कभी कभी दे देता हूँ हेलो फीड के जो आते हैं, एक ड्राइड ट्यूबीफेक्स वर्म्स, वो दे देता हूँ मैं उसको, थोड़ा टुकड़ा निकाल के और दे देता हूँ। उसके अंदर जो फ़ायदा है कि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो 60% है। वैसे नॉर्मली जो प्रोटीन कंटेंट 45% जितना हो ना, उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा फूड गिनाता है फ्लावर ऑन फिश के हेड की ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है इसका फूड, बट लॉन्ग टर्म और उसकी हेल्थ के लिए आपको इतना तो खर्चा करना ही पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या है कि जो ब्लॉक्स में पूरा उसको कॉम्प्रेस करके जो छोटे छोटे वॉर्म्स आते हैं उसको फ्रोज़न और कॉम्प्रेस करके उसको पैक करके हमारे पास भिजवा देते हैं। सेकेंड में मैं बोलूँगा, मैं जो फीड कर रहा हूँ अभी वो है ओकीको प्लेटिनम। उसकी डेली डाइट में ये जाता है। ओकीको प्लेटिनम का जो है मेन, उसका ओरिजिनल है या नहीं है वो आपको जेनुइन जो सेलर है ना उसके पास से लेना पड़ेगा। वो थोड़ा आपको ध्यान रख के लेना पड़ेगा। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कैसे पता लगाए कि ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट जेनुइन है या नहीं है। सो इसके अंदर ज़्यादा जो है लोचा नहीं है, आप कुछ भी करके ले सकते हो। फिर जो थर्ड फूड है वो है हिकारी का बायोगोल्ड प्लस, सिकलेड का क्या जो होता है ना स्पेशली इसके लिए। उससे क्या है कि जो उसकी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत ही इन्हेंस होके आएगी, उसका उसके जो कलर है वो निखर के आएंगे। आपकी फ्लावर ऑन फिश के लिए ये फूड बहुत ही बेस्ट है। ये आपको जो है एक टाइम ओकीको प्लेटिनम दो, एक टाइम ये दो, और बीच में जो अगर आपको कोई कोई दिन आपको उसको ट्रीट की जैसे आप ड्राइड फ्रोजन फूड आपको उसको ट्रीट की जैसे देना होगा। ज़्यादा ओवर डू करोगे तो वो भी एक टाइप की प्रॉब्लम है, वो करोगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर आप ये देख सकते हो ऐसे ब्लॉक्स में होता है ट्यूबीफेक्स वर्म। अभी मैं इसको फीड करूँगा, बहुत ही इसको पसंद आता है ये फूड। आप एक बार ला के देखना, आप खुद खुद की अपनी फिश को आप खिलाना। ये फिश मेरे पास 1 साल से है, आप देख सकते हो बहुत ही एंजॉय करके ये फिश खाती है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फूड उसको वैरायटी में दो, बहुत मतलब जितनी वैरायटी दोगे उतनी खुश रहेगी और उतने ही कलर्स निकल के आएंगे और उतने ही उसकी हेड की ग्रोथ होगी। मेरा जो फिश है वो एक मेल है और एक फ्लावर ऑन फिश जो आता है एस आर डी सुपर रेड ड्रैगन फ्लावर ऑन वो है। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो रेड कलर का आता है, और फ्लावर ऑन में बहुत टाइप्स की फ्लावर ऑन आती है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो आज का वीडियो इधर ही करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी सारी वीडियो सबसे फर्स्ट।